नहीं मेरिट वही 140 प्लस हमको लग रहा है। लेवल एकदम फिट था, लेवल में कोई कमी नहीं थी, बहुत ज्यादा आधे आधा हो गया लगभग, आधे 50% हाँ 50% सर। वही जो त्रिकोणमिति में किया कम से कम 89 था। हेलो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है हरमीत, आप सभी का स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। जैसे कि जानते हैं आज है 30 जून तो SSC फेज 11 का एग्जाम चल रहा है, आज लास्ट दिन है तो फोर्थ शिफ्ट वाले एग्जाम छूट चुके बच्चे। हम बात करेंगे क्वेश्चन का लेवल क्या रहा, क्या पैटर्न रहा, कैसा क्या एग्जाम। आई भैया आप भी आ जाइए। एग्जाम बहुत अच्छा हुआ भैया जी, एग्जाम बढ़िया था। कितने आपने अटेम्प्ट किए? हम अटेम्प्ट किए थे लगभग 85 क्वेश्चन। आप कितने अटेम्प्ट किए? 69। क्या मतलब लेवल क्या रहा ओवरऑल? लेवल सही था पेपर का, लेवल एकदम फिट था, लेवल में कोई कमी नहीं थी। और करंट अफेयर ऐसा पूछा गया था एकदम सिंपली, एकदम लेटेस्ट का पूछा गया था, करंटली मतलब 3 महीने के अंदर का। और मैथ भी बहुत अच्छा था, एकदम इजी था, रीजनिंग भी इजी था। क्या क्वेश्चन थे स्टैटिक में, कुछ आपको याद है जैसे इजी लगा लास्ट वाला पैटर्न? मतलब ये किस में स्टैटिक में क्वेश्चन क्या थे? जीके जीएस में ये पूछा गया था, मतलब ऑस्कर अवार्ड अवार्ड के कौन पाया था, रिंकी कैच पाया है अभी हाल ही में उनको दिया गया, उसके बाद फिर ऐसे पूछा गया था कई क्वेश्चन। क्या बता रहे हैं आप, कौन सा आर्टिकल पूछा गया था? आर्टिकल 51A के अंदर जो मतलब ABCD का नहीं है उसमें से एक वही पूछा गया था। और क्या पूछा गया था? और ग्रेवी वार्ड से जो है पूछा गया था, अल्टीम पूछा गया था कि अनुच्छेद में कितने मतलब कौन से अनुच्छेद में राज्यसभा का वो है उल्लेख, ओमान की जो खाड़ी तो बताया गया था, क्या बोले ओमान की खाड़ी के पास जो सागर पाया था वो पूछा गया था कौन सा सागर है। और कोई नदियाँ कोई देखने कोई मिला नदियाँ से? नहीं नहीं नदियाँ से कोई क्वेश्चन नहीं था। और कोई इंडेक्स कोई सूचकांक से क्वेश्चन? नहीं सूचकांक से कोई क्वेश्चन नहीं। कोई बायो साइंस क्वेश्चन देखने को मिला? हाँ साइंस से क्वेश्चन एक था, ये मतलब सेल से क्वेश्चन था कोशिका से मुझे पूछा गया। और कोई जैसे कि CMPM कोई राजधानी से क्वेश्चन देखने को मिला? नहीं नहीं राजधानी से नहीं पूछा गया था। और ये औसत के क्वेश्चन थे जो है कि औसत के मैथ क्वेश्चन थे दो तीन। उसके बाद बात कर लेते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स और गैप्स, इंग्लिश का लेवल क्या लगा? इंग्लिश का लेवल भी सही था। इंग्लिश में कितने अटेम्प्ट किए? इंग्लिश में पूरा तो कैलकुलेटर के बताता है उधर पता नहीं चलता कितना अटेंड हुआ। तो कुल कितने आपने अटेम्प्ट किया अभी बताएं? 69। बहुत अच्छा आपका अटेम्प्ट रहा। अच्छा बच्चे वहाँ पे एब्सेंट हो रहे हैं हॉल में? हाँ एब्सेंट सबसे ज़्यादा लड़के हो रहे हैं, कम से कम 60% लड़के आ रहे हैं, 40 एब्सेंट ही हो रहे हैं। जी सर थैंक यू सर, आ जाइए भैया थोड़ा बातचीत करेंगे, आ जाइए प्लीज़ यार आइए भाई। देखिए भैया धक्का मत दीजिए। बहुत धन्यवाद सर जी, कैसा गया आपका एग्जाम? जी पेपर ठीक गया है। कुल कितने अटेम्प्ट किए टोटल? जी हमने किया है कम से कम 89 था। 89 की आप कौन सा लेवल रहा, ग्रेजुएट लेवल रहा या मैट्रिक लेवल रहा? मैट्रिक लेवल। मेरा क्वेश्चन सही है, अटेम्प्ट यही टाइम मैनेजमेंट है और क्वेश्चन तो सेम ही सब बढ़िया आ रहा है। मेरा 65 है। आप कितना किए? हम तो भैया 80 करके हैं। देखिए मैथ का लेवल थोड़ा अच्छा था, रीजनिंग तो बिल्कुल इजी था, लेवल तो सबका ठीक है, मतलब रीजनिंग का भी बिल्कुल इजी था, मैथ का थोड़ा अच्छा लेवल था, इंग्लिश का भी इजी था। और GS बहुत पुराना मतलब पीछे का पूछ रहा है, जैसे ग्रैमी अवार्ड 2008 का पूछ लिया था, ये सब बहुत पीछे पीछे पूछ रहा है। और मैनेज हो गया, टाइम कम पड़ गया। टाइम तो सर थोड़ा मैथ मैनेज करना है और कुछ करना नहीं है, पेपर का लेवल अच्छा है, थोड़ा मैथ का उसे 3 क्वेश्चन थोड़ा है टाइम मैनेजमेंट वाला। और मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव था, वही मैथ में और सब तो इजी था, मैथ में थोड़ा ध्यान। स्टैटिक में क्या क्वेश्चन बने थे? पॉलिटी स्टैटिक में गोल में सम्मेलन, मतलब हम बता रहे हैं गोल में सम्मेलन से इतिहास के 2-3 क्वेश्चन थे लगभग गोल, और तो भी कुछ एक जी करंट का था, किस राज्य की सबसे ज्यादा। और डाकघर पूछा था 2020 में कितने डाकघर हैं उसकी संख्या पूछा था, मतलब शहर में पूछा था। और हाँ जनगणना से किसी साक्षरता दर किस राज्य की सबसे अधिक थी अधिक है। और 2021 में स्मृति मंधाना मतलब वो वुमेन ईयर ऑफ द वुमेन जो होता है SEC में दिया जाता है वो उससे था। एक क्वेश्चन रह जाएगी थोड़ा सा, इधर आ जाइए। हाँ और क्या क्वेश्चन थे? एक पॉलिटी का 51A करके पूछा था, तो उसमें ऑप्शन दिया था, ABCD दिया था, मतलब परिस्थिति और विरासत से जो होता है वो किससे संबंधित है, ABCD इस तरह ऑप्शन करके दिया था, सेक्शन लगेगा उसमें, इसी तरह थोड़ा क्वेश्चन टफ हो गया था बस। और स्टैटिक से जो आ रहे थे जुमला की स्पोर्ट से क्वेश्चन कितने महीने किया, 6 महीने किया। एक ओडिसी नृत्य से पूछा था कि मतलब स्टार्टिंग किस चीज़ से होती है, कि उसमें 4 ऑप्शन थे, किस चीज़ से शुरुआत होती है ओडिसी नृत्य की, मतलब जी ये थोड़ा लेवल उसका स्टैटिक अच्छा था, स्टैटिक भी काफी आया था। तो एक इंग्लिश का लेवल क्या लगा? इंग्लिश का लेवल तो उसमें ईडियम फ्रेज में थोड़ा मतलब टफ था, मतलब उसमें फ्रेजल वर्ब दिया था, और तो पैसेज भी इजी था और क्लोज स्टेज भी बिल्कुल इजी था, और उसमें बस सब सही था, बस थोड़ा दो करप्शन वाला थोड़ा गलत है, 1-2 क्वेश्चन बढ़िया था। अच्छा मतलब फिल इन द ब्लैंक्स कितने क्वेश्चन देखने को मिला? लगभग 2-3 क्वेश्चन। वकैब से भी इजी था, तो डोमेन नाम
वही बस सिनोनिम दो की तीन सिनोनिम पूछा था बंदे से। मैथ में क्या बता रहे हैं, मैथ में ऐसे कि डीआई से भी क्वेश्चन आए थे? नहीं, डीआई से क्वेश्चन नहीं था, रेशियो का दो तीन क्वेश्चन था, दो और एक पार्टनरशिप का था, और सिंपल इंटरेस्ट का दो से तीन क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का था, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं था। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन देखने को मिला नहीं, ग्राफ से भी नहीं थे क्वेश्चन, नहीं ग्राफ से ये सब क्वेश्चन नहीं आया। तीन क्वेश्चन एसआई के थे, हाँ एक था त्रिभुज के क्षेत्रफल पूछा था, बस सिंपल क्वेश्चन था, और दो रेस के सवाल थे, और लॉस प्रॉफिट का एक अच्छा क्वेश्चन था, और तीन से ऐसा ही हो गया। और ब्लड रिलेशन में बात, हाँ तीन तीन क्वेश्चन आया था, तीन रिलेशन का तीन क्वेश्चन पूछा था, कथन निष्कर्ष लगभग चार क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष चार क्वेश्चन और तीन क्वेश्चन सिलोलिज्म का तीन क्वेश्चन और दो तीन एनोलॉजी था और ईजीजी थे सब, तीन से चार क्वेश्चन था। और डाइस क्वेश्चन देख लो, डाइस का नहीं मिला, कैलेंडर से, कैलेंडर का भी नहीं, लॉक से भी नहीं था, नहीं उसमें तो जो कोडिंग दे करके पूछ ले रिलेशन, बस सिंपल वाला बस, हाँ ग्रुप वाला जैसे आता है, एक सवाल इसका हैशटैग का मतलब ये है, इसका मतलब ये है, तो इससे रिलेशन चार क्वेश्चन थे, चार क्वेश्चन लगे। कोडिंग डॉक्यूमेंट से तीन से चार क्वेश्चन थे, लेकिन फिर वो बस आगे पीछे करके पूछ रहा है, इसको आगे पलट दिया है तो रिवर्स करके पूछ लिया, आगे का पीछे करके ऐसे पूछ रहा, ज्यादा घुमा नहीं रहा। कहीं मतलब की मूक दिए थे आप? मॉक तो मॉक मैंने नहीं दिया था, हाँ मॉक दिया। वहाँ का लेवल, यहाँ का लेवल क्या लगा मॉक में? बस मैथ में थोड़ा डिफरेंस है, बस मैथ में और सब बढ़िया था, रीजनिंग और इंग्लिश तो बढ़िया था, बस मैथ थोड़ा कर ले जाते थे जितने क्वेश्चन यहाँ, बस वही अप्रोक्स, बस उतना ही बस, टाइम वहाँ मैनेज होता था कि यहाँ भी कम पड़ गया? नहीं बस जितना आता था उतना कर लिए उतने समय के अंदर, 80 क्वेश्चन अटेंड कर लिए थे बस। आपका ऐसे एसएससी का और कोई एग्जाम दिया हो, कौन सा वाला? अभी दिए थे एमटीएस का भी दिए थे। आपका मैट्रिक है क्या, 10th लेवल? मैट्रिक लेवल का डाले थे वो, पहली बार फॉर्म डाले थे। तो आप कौन सा लेवल? मेरा भी मैट्रिक लेवल है। जैसे कि और कुछ कहना चाहेंगे, जैसे कि और जो इस विभाग में आना चाहते हैं एसएससी फेजी लेवल वाले में? जीएस थोड़ा ध्यान दीजिए, जीएस मैथ और तो बढ़िया है, 27 से 30 तक तो है, लेकिन और जो आना चाहते हैं, जो तैयारी करना चाहेंगे, जीएस अच्छे फोकस करना पड़ेगा, जीएस पे और मैथ पे दो चीजें बढ़िया है बस, जीएस मैथ फोकस करना पड़ा, इंग्लिश तो बढ़िया है। स्टूडेंट एब्सेंट हो रहे हॉल में बहुत ज्यादा, आधा हो गए लगभग, आधा 50% फिफ्टी परसेंट जैसे कह सकते हैं, क्या मेरिट जाने की संभावना है? 50% पेपर भीजी है क्या मान लगा? नहीं मेरिट वही 140 प्लस हमको लग रहा है, 140 प्लस है, 140 प्लस से कम नहीं रहेगा। और कितने अटेम्प्ट किए आप? 85 की। कहाँ पे आपको थोड़ा टफ लगा? मैथ में, थोड़ा मैथ में टफ लगा। क्या सेशन थोड़ा सा आपको ईजी लगा? सर रीजनिंग बहुत अच्छी लगी, इजी लगा। कुछ स्टैटिक में कुछ क्वेश्चन आपको याद हैं जीके जीएस में? सर वही जो त्रिकोणमिति में था वही था। अच्छा स्टैटिक से हम बात करें, कुछ जीके जीएस में कुछ क्वेश्चन आपको याद है, ऐसे कोई पॉलिटिक्स कोई क्वेश्चन संविधान से देखने को मिला? संविधान से सही नहीं। कोई जियोग्राफी से, कोई नदियाँ पहाड़ झील से? नो। अच्छा बच्चे वहाँ एब्सेंट हो रहे हैं, क्या नाम है आपका? सागर गौतम। कहाँ से हैं? जौनपुर। धन्यवाद। कैसा गया था एग्जाम? एग्जाम बहुत बढ़िया गया है। कुल कितने अटेम्प्ट किए आप? हमने 67 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। क्या क्वेश्चन का लेवल लगा? क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़िया लगा है, वैसे वही थोड़ा मैथ में थोड़ा हार्ड लगा है, बाकी तो रीजनिंग सही थी और जीएस में सही था, इंग्लिश में भी सही था, क्वेश्चन अच्छे लगे। कहाँ थोड़ा सा आपको टफ लगा किस सेशन को लेके? सेशन को लेके जैसे मतलब मैथ में जैसे डिस्काउंट से आ गए थे क्वेश्चन, बट्टा से आ गए थे, उसमें थोड़ा टफ लगा जी, और बाकी तो क्वेश्चन सही थे, जैसे करंट में आ गया था और T20 वर्ल्ड कप का प्रथम संस्करण कब आयोजित किया गया था, और वीमेंस 2021 क्या मतलब ऐसे कुछ था क्वेश्चन, वीमेंस 2021 कि मोटिवेशनल कुछ बोलना चाहिए एक लाइन में जो स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा इंस्पायर करे? बस वही मेहनत करिए बस, और क्या, लगे रहिए। जैसे कि देख सकते हैं भैया ने बहुत अच्छा एनालिसिस किया है, जैसे बताएं जो सस्ती जो फेज 11 में जो आना चाहते हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं वो ऐसे ही फॉलो करें, स्टैटिक थोड़ा सा देखें और इंग्लिश थोड़ा सा अच्छे से करके आएँ, मैथ का लेवल सब कुछ नॉर्मल है, और जो जीके जीएस है थोड़ा सा देखिए हर समय टफ ही रहती है, इसलिए जीके जीएस कोई मतलब बाउंड नहीं कितने में क्या रहेगा, मैं डिपेंड करता है ये बस। यार वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक करिएगा और प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।